नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई इंस्ट्रक्शन जारी की गई है जिसमें कि लास्ट डे 31 मई 2023 बताई गई है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये इंस्ट्रक्शन डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सीबीडीटी के द्वारा नई सेक्शन इनकम टैक्स ऑफिसर को जारी की गई है जहां पे के टाइम वेरिंग असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास की गई थी जहां पे के बताया गया था कि जो केसेस इनकम टैक्स ऑफिसर ने ओपन किए हैं 147 और 148A के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के, उन्हें कंप्लीट करना है इनकम टैक्स ऑफिसर को 31 मई 2023 से पहले। इसके लिए पहले ही सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022 जारी की थी ऑन 11 मई 2022। दोस्तों, यह इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022 जहां पे के सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल के केस में, ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी सीबीडीटी के द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर को। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर ने 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में इनकम टैक्स रीअसेसमेंट के नोटिस इशू कर दिए थे ओल्ड एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग, जबकि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो बदल दिया गया था 1 अप्रैल 2021 से, जिसकी वजह से कि ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी और ये कहा गया था कि भले ही ये जो रीअसेसमेंट के नोटिस है चैलेंज किए गए हों या ना किए गए हों, सुप्रीम कोर्ट में सभी केसेस में ये इंस्ट्रक्शन अप्लाई होंगी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग राइट्स अवेलेबल हैं असेसिंग को, वो उसे अवेलेबल कराए जाएंगे। तो यहाँ पे जो नया सेक्शन इनकम टैक्स में डाला गया था उसमें कहा गया था कि रेलेवेंट असेसमेंट के ख़त्म होने के 3 साल के बाद कोई भी नोटिस 148 के अंतर्गत इशू नहीं किए जाएंगे, और यदि एसेट के फॉर्म में इनकम है जो कि स्केप हो गई है और वो अमाउंट 50 लाख रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा है तो उस केस में 3 साल से पीछे के नोटिस भी इशू किए जा सकते हैं, लेकिन 10 साल तक ही ये नोटिस इशू किए जा सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन सीबीडीटी के द्वारा जारी की गई थी। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 13, 14, 15, 16 के नोटिस तभी इशू किए जा सकते थे यदि इनकम स्केपिंग असेसमेंट जो है, यानी कि जो एसेट है, 50 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा थे, और असेसमेंट ईयर 16, 17 और 17, 18 के फ्रेश नोटिस इशू किए जा सकते थे सेक्शन 148 के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये भी बताया गया था कि यदि ये नोटिस इशू किए जाते हैं तो असेसिंग ऑफिसर को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी जिसके बेस पे कि उसने ट्राई किया है इन नोटिस को इशू करने के लिए, असेसिंग ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन एसएससी को देनी होगी। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एसएससी को प्रोवाइड की जाएगी विद इन 30 डेज, जिसके बाद के एसएससी रिप्लाई फाइल कर सकता है यदि एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर इस केस में ऑर्डर पास करेगा और इसके लिए टाइम लिमिट भी दी गई थी, यानी कि विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई इज फाइल्ड बाय द एसएससी। यदि एसएससी को रिप्लाई नहीं फाइल करता है तो ऑर्डर विद इन 1 मंथ जो है फाइल कर दिया जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें के रिप्लाई के लिए टाइम एक्सपायर हो रहा है। तो दोस्तों, सभी केसेस जो रीओपन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेस पे, वो उनको कंप्लीट करने के लिए अब जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2023 दी गई है सीबीडीटी के द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर को। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।